भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, बालेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री बुद्धिलाल पासी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विधान परिषद सदस्य श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री गिरीश नारायण पांडे जी, पूर्व विधायक श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, राकेश सिंह जी, आरबीएस सिंह जी, अजय त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, लोकसभा क्षेत्र रायबरेली और सरेनी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, भारत माता के महान सपूत अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह और वीरता के वाहक बीरा पासी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखनी ने जिस धरा को धन्य किया हो, ऐसी धरा को पुनः पुनः नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव आज चतुर्थ चरण में चल रहा है। अब तक आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज 10 राज्यों की 96 सीटों में चुनाव हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर चारों ओर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, एक ही नारा गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार 400 पार में। रायबरेली भी है ना, है ना। और बहनों और भाइयों, ये होनी भी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह अवध केसरी का क्षेत्र है, अयोध्या की पावन धरा का क्षेत्र है। याद करिए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं और 500 वर्षों में पहली बार रामलला ने अयोध्या में अपना जन्मोत्सव भी मनाया और होली भी खेली ना। अब आप सोचो, रामलला को अयोध्या में लाने वाले कौन है? मोदी जी, बीजेपी। और मोदी जी और बीजेपी को ताकत किसने दी? आपने दी। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। बहन और भाइयों, हम इस लोक में अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताएंगे,
हमारे कारण राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जब परलोक जाएंगे तो अपने पूर्वजों को भी बताएंगे कि हम आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये सौभाग्य का दिन देखने का अवसर किसी ने आपको दिया है तो ये मोदी जी ने दिया है, भाजपा ने दिया है, अन्यथा कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो आज भी वही राग अलाप रहा है। क्या राग अलाप रहा है? जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? तब कांग्रेस ने कहा था, राम तो हुए ही नहीं, कहा था ना, राम सेतु को तोड़ने का काम किया था ना कांग्रेस ने। और तब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये भारत की सरकार कहती है जो संविधान की शपथ लेती है और जिस संविधान में मूल प्रति में पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आते हुए भगवान राम के दरबार को दिखाया गया है। वह सरकार इतनी झूठ देश की सुप्रीम कोर्ट में बोलती है। बहनों और भाइयों, इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में, कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? ये राम मंदिर का निर्माण भारत की इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है और हमारी पीढ़ी धन्य है जो इस घटना के साक्षी बने हैं। बहनों और भाइयों, और फिर समाजवादी पार्टी क्या कहती है? उनका तो राग ही उल्टा होता है, वो सही रास्ते चल ही नहीं सकते। कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को ये लोग वापस लेते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के रह गया है। बहनों और भाइयों, मैं एक गाना सुन रहा था अभी कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, और पूरे देश के अंदर भी जब मैंने लोगों से पूछा कि फिर एक बार मोदी सरकार का नारा क्यों आप देते हैं, उन्होंने कहा इसलिए दे रहे हैं जो राम को लाए हैं हम, और राम भक्त ही जब शासन करेगा तो हो है वही जो राम रसी राखा। ये तो तुलसीदास जी ने बहुत पहले बोल दिया है और प्रभु तो यही चाहते हैं कि उनका भक्त ही राज करेगा। करेगा ना। और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए कि राम द्रोही दो ही लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो राम द्रोही और या पाकिस्तान। आप देखिए इस समय पाकिस्तान और राम द्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए और उस घटना को उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के
रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन कि मैं बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से, मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में, और उनको समर्थन मिलना है पाकिस्तान से। आप मुझे बताओ, जिसका समर्थन पाकिस्तान करेगा क्या आप उसका समर्थन करेंगे क्या? करेंगे क्या? रायबरेली उसका समर्थन करेगी क्या? बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि एक और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था कल, कह रही थी कि मोदी जी बताएं तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? आज अगर रायबरेली में एम्स है तो इसका पैसा भी मोदी जी दिए हैं, और ये रेल कारखाना है, इसके आधुनिकीकरण, इसके विस्तारीकरण का पैसा भी मोदी जी दिए हैं, इसके उद्घाटन में मोदी जी स्वयं भी आए थे। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या विकास के वे सारे कार्य, आज ये मोदी जी के कारण हो रहे हैं। कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं ट्रिपल आईटी, कहीं पे एनआईटी, कहीं पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। हर जिले में हर घर नल की योजना बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। विकास के कार्य, कितना कार्य हुआ है देखना है तो कांग्रेस के नेता नोट करें। यह देश आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 52 एयरपोर्ट बना पाया, 74 एयरपोर्ट बना पाया था। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में 152 एयरपोर्ट बना दिए। कांग्रेस समेत पहले से, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितना हाईवे बना था, आज उससे दुगने हाईवे बन गए हैं। मेट्रो केवल 5 सिटी में थी, आज 20 सिटी में मेट्रो है। एम्स केवल 7 थे, उनमें से कांग्रेस ने 1 बनाया था, अटल जी ने 6 बनाए थे। आज देश के अंदर 22 एम्स हैं, 22। बहनों और भाइयों, पहले हर घर नल की योजना नहीं थी, आज हर घर की नल की योजना लागू हो चुकी है। पहले बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस की सरकार के समय स्वास्थ्य की सुविधा में लोग तड़पते थे, आज हर वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्यों को भी आप देखेंगे, कांग्रेस के समय लोग भूख से मरते थे, गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। और फ्री में राशन का सुविधा ही नहीं मिल रही है, जो ये पाकिस्तान का राह बलाप रहे हैं कांग्रेस के नेता, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने 10 वर्ष में उतने गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया है जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे ज्यादा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। और भिकमंगा पाकिस्तान, आज का न्यूज आपने सुना होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर में दंगा इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली नहीं है, चावल नहीं है, और खाने को लेकर के लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे गली मोहल्लों में लड़ते हैं। बहनों और भाइयों,
ये पाकिस्तान की दुर्गति देखने के बाद भी अगर कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति पाकिस्तान का राग अलापता है, उससे कहना चाहिए कि भैया जाओ पाकिस्तान में, भारत में बोझ मत बनो, मत बनो भारत में बोझ। भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रहा है, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है, 12 करोड़ घरों में शौचालय बने, 10 करोड़ गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार से होली और दीपावली में एक एक भरा हुआ सिलेंडर उन परिवारों को हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में बचे हुए सभी गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। कांग्रेस के समय योजना का लाभ चेहरा देख करके दिया जाता था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान तो था ही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, हमारा दलित कहां जाएगा, पासी कहां जाएगा, लोधी कहां जाएगा, कुर्मी कहां जाएगा, हरिजन कहां जाएगा, दलित कहां जाएगा, अन्य गरीब कहां जाएगा। बहनों भाइयों, मोदी जी ने गरीबी को ध्यान में रख करके, दलित वंचित को ध्यान में रख करके योजना का लाभ दिया, और सबका साथ और सबका विकास का नारा आज देश के लिए एक मंत्र बन गया है। कांग्रेस ने अभी अपना न्याय पत्र जारी किया है। बहनों और भाइयों, ये न्याय पत्र नहीं, भारत के प्रति अन्याय पत्र है, ये न्याय पत्र नहीं, यह भारत के खिलाफ साजिश का एक दस्तावेज है। यह साजिश का दस्तावेज इसलिए, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, दो मुद्दों की ओर। एक मुद्दा है जिसमें कांग्रेस कहती है हम गरीबी हटाएंगे, दादी ने यही नारा दिया था, आज नाती भी वही नारा रटाई जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे गरीबी कैसे हटाओगे बताओ? तो उन्होंने कहा हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, और संपत्ति का एक्सरे कराने के बाद फिर उस पर एक विरासत टैक्स लग जाएगा, यानी आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है उस पर कांग्रेस एक विरासत टैक्स लगाएगी, और फिर उसमें से आधी संपत्ति वो हड़प लेगी। क्या आप ये अनुमति कांग्रेस के लोगों को देंगे क्या? ये लूट करने की छूट देंगे क्या? ये डकैती डालने की छूट देंगे क्या कांग्रेस को? ये लोग अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकारों में डकैती डालना चाहते हैं। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तब इन्होंने इस प्रकार की साजिश रचने का काम किया था, और आज ये लोग यही करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपको इसके लिए सावधान करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और सपा का ये गठबंधन देश के लिए खतरनाक है। ये दो युवाओं की जो जोड़ी आपके बीच में आ रही है, धोखेबाज जोड़ी है, ये कह रहे हैं मिलकर के जीतेंगे, जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे, हारेंगे तो फिर आपस में छूटेंगे। और बहनों और भाइयों, ये लोग प्रदेश के साथ अन्याय करने के लिए, देश के साथ अन्याय करने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के बाहर होते हैं तो उत्तर प्रदेश की निंदा करते हैं, भारत के बाहर होते हैं तो भारत के खिलाफ निंदा करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने अमेरिका के एक अधिकारी से क्या कहा था? कहा था कि मुझे भारत के अंदर आईएसआई से डर नहीं है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर नहीं है, आतंकवादियों से डर नहीं है, मुझे तो भारत के अंदर हिंदुओं से डर है। यानी हिंदुओं को बदनाम करता है व्यक्ति, और फिर आप इसे वोट मांगेंगे? ये लोग जाति के नाम पर पहले आपको लड़ाएंगे,
फिर जाति के नाम पर लड़ाने के बाद आपके आरक्षण को मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। क्या आप ये अनुमति इनको देंगे? क्या ये अनुमति देंगे? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात और कही गई है कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन में कौन अंतर है? रोटी वो भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे। चावल वो भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे। खिचड़ी या खीर वे भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे। फल आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे। लेकिन एक जगह में मतभेद हो जाता है, वो हो जाता है जब वो गौ मांस खाने का प्रयास करते हैं, तो हिंदू कहता है ये नहीं होगा। गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, अगर इसको काटोगे तो दो दो हाथ हो जाएगा और ये नहीं होने देंगे। और कांग्रेस कह रही है हम गौ हत्या की छूट दे देंगे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य है ये पाप में बदल जाएगा, इस पाप को मत करना, इस पाप में मत पड़ना। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस के पाप में नहीं पड़ना है। कांग्रेस अब देश के लिए खतरनाक खेल खेलने जा रही है। उन्हें देश के अंदर शासन करने का अधिकार नहीं, देश उन्हें पहले ही उन्हें बाहर कर चुका है, बाहर का रास्ता दिखा चुका है। और यह भी तय है आज चौथे चरण के बाद पूरे देश के अंदर जब चुनाव चल रहे हैं, चौथे चरण का एक ही लहर है और मोदी लहर है। अब वो सुनामी बनती हुई दिखाई दे रही है। सातवें चरण आते आते पूरे देश के अंदर 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, ये अब की बार 400 पार के इस अभियान के साथ रायबरेली को भी इससे मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को विकास के लिए खिलाना ही चाहिए। सहमत हैं? खिलाएंगे? दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीत करके जाएंगे? सरेनी विधानसभा के सभी मतदाता अपने आशीर्वाद देंगे? सभी लोग इधर उधर पीछे सभी लोग मुझे बताओ, इस बात के लिए आश्वस्त करके बताओ, क्या आप सभी लोग देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग इसके लिए। बहनों और भाइयों, पांचवें चरण में आपको मतदान करना है और आपको इसके लिए घर घर जाना होगा, एक एक मतदाता से अपील करनी होगी कि चुनाव देश की खातिर है, भारत को विकसित भारत बनाने का है, मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, कांग्रेस आएगी तो भारत के विभाजन की आधारशिला आपस में लड़ा करके ही तय कर देगी। इसलिए कांग्रेस को एक तरह से विदा करते हुए हमें मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाना है। सहमत हैं? चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर और काम, इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, सभी लोग करेंगे, तो फिर मेरे साथ आप बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।